हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और गाइस आज हम लोग के पास आ चुका है सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन। और आज हम लोग इस फ़ोन का एक वीक अनबॉक्सिंग उसी के साथ एक बहुत धमाकेदार फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं इस स्मार्टफोन में। तो गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले जो आप लोग को स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाता है। और अगर स्मार्टफोन के लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं फटाफट से अनरैप कर ले रहा हूँ। और गाइस फ़ोन का जो लुक और डिज़ाइन है वो गाइस काफ़ी अच्छा दिया गया है। बाय द वे गाइस आप लोग को बॉक्स में बस एक सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें कुछ सिमिलेटेड टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, और एक आप लोगों को डाटा केबल देखने को मिलता है। और कुछ तो देखने को मिलता नहीं है सैमसंग और आईफोन मतलब वाले फोन्स में। बाय द वे गाइस अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से फ्री फायर को इंस्टॉल करके गेम को ओपन करते हैं। गाइज़ यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है और अभी मैं फटाफट से आप लोगों को मैच स्टार्ट करने से पहले अपना ग्राफिक्स सेटिंग सेंसिटिविटी वगैरह दिखा देता हूँ। सेंसिटिविटी की बात करें तो सारा का सारा सेंसिटिविटी 200 पर रहेगा। और अगर बात करें डिस्प्ले पे ग्राफिक्स क्या रहेगा तो गाइज़ ग्राफिक्स मैक्स पर रहेगा, हाई रेजोल्यूशन भी यहाँ पर रहेगा, शैडो भी ऑन रहेगा, फिल्टर भी ऑन रहेगा और हाई FPS भी हाई पर रहेगा। ओवरऑल बोले तो सारा चीज़ हाई पर रहेगा। पूरा एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे, पूरा रियल और जेन्युइन रिव्यू देंगे, तो गाइज़ वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना। गाइज़ यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मैच के फाइट वाले सीन पे। और गाइज़ अभी आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हो वो गाइज़ खेला गया है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन में। और गाइज़ यहाँ पर आप लोग ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो और आप लोग भी थोड़ा गेम प्ले को ऑब्जर्व कर सकते हो गाइज़। और गाइज़ अगर मैं आप लोग को कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो गाइज़ इस फोन में आप लोग को जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो गाइज़ देखने को मिलता है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 6600+, जो कि गाइज़ एक 5G मतलब प्रोसेसर है और बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। बिकॉज गाइज़ इसका अंतुतु स्कोर भी बहुत ही तगड़ा आता है और लिटरली ये गेमिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। और इस फोन में जो बैटरी लगा वो भी गाइज 6000 mAh का लगा है, जो कि काफ़ी बड़ा बैटरी है, लिटरली गाइज काफ़ी बड़ा बैटरी है। और इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो गाइज मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कोई मेजर इशू वगैरह देखने को मिला है या नहीं मिला है गेमिंग करते टाइम, और इस फोन को आप लोग को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गेमिंग के लिए, वो सारा चीज़ें मैं आप लोग को वीडियो को एंड में बताऊँगा। तब तक के लिए गाइज आप लोग थोड़ा सा मतलब गेम प्ले को एंजॉय करो और आप लोग भी थोड़ा ऑब्जर्व करो और मैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड। गाइज़ कैसा लगा आप लोग को गेम प्ले आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय द वे गाइज़ अगर बात करें इस फोन में कोई मेजर इशू वगैरह देखने को मिला या नहीं मिला गेमिंग करते टाइम, तो गाइज़ देखो मैं अगर आप लोग को कुछ सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो गाइज़ देखो ये जो फोन है वो गाइज़ 16000 में या फिर अंडर 15000 में ही देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग बैंक कार्ड वगैरह लगा दोगे तो। बाय द वे गाइज़ अंडर 15000 में ये एक 5G स्मार्टफोन है, 6000 mAh के बैटरी के साथ आता है, मीडियाटेक डिमेंसिटी 6600+ प्रोसेसर देखने को मिलता है। गाइज़ अगर ओवरऑल बोले तो इस फोन में काफ़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और लिटरली ये मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है
मिड रेंज प्राइस सेगमेंट का और ब्रांड का भी गाइस असर पड़ता है। जो सैमसंग ब्रांड है तो गाइस काफ़ी अच्छा मतलब ब्रांड है और काफ़ी अच्छा तरीका से ये अपने फोन्स को ऑप्टिमाइज़ वगैरह करता है और लिटरली मेरे को कोई भी मेजर इशू इस फोन में देखने को नहीं मिला है। अगर आप लोग इस फोन को गेमिंग के लिए परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और गाइस अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो गाइस इस फोन में 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है जो कि एक घंटा लगातार गेमिंग करने पर मात्र और मात्र 13% बैटरी ड्रेन करता है। तो गाइस काफ़ी बढ़िया से बैटरी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। ओवरऑल ये फोन गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा निकल कर आ जाता है। अगर आप लोग गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हो तो गाइस कर सकते हो। यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।